होगा। तो प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं सब बच्चे? कोई बात नहीं, 6 गलती हुआ, 2 सेट में 60 में 2 खिलौना है, फिर 60 में 6 गलती हो गया तो बड़ा चीज नहीं है। 3 हाँ ठीक है, धाएं धाएं बन गया ना फिर क्या, धाएं धाएं बन गया फिर क्या दिक्कत है, बस ये देखो कॉन्फिडेंस आ गया ना, बस ठीक है। सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इधर आ जाओ, उधर किनारे काहे हो, सामने आ जाओ, उधर बुक कौन सा लिए हैं सर? बुक जो नरेशन वाला, आई एम सुधाकर कुमार फ्रॉम बिहार इन औरंगाबाद। आप सभी अपना अपना नाम लिखो सर। अच्छा, यहाँ के बच्चों का नाम लिखो तुमको? शिव शंकर, आई एम फैजल, बहुत बढ़िया, आई एम साजल गुप्ता फ्रॉम बिहार, ठीक है, वेरी गुड। तो आज जो है टेस्ट का काम चलेगा हम लोगों का, नरेशन सेट वन। सब है, सब हो जाए, एज पेज सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो पेज वाला है दिलाल को बोलो लेकर आएगा नरेशन वाला सेट मेरा किताब, और एज पेज सब लाओ किताब, है ना। हाँ, तो सारे बच्चे के पास किताब है कि नहीं है? हाँ, तो आज नरेशन का पूरा चलेगा प्रैक्टिस, 1 क्लास काफी है आज, और कल शुरू कर दूंगा क्वेश्चन टैग कल चलेगा, और क्वेश्चन टैग उम्मीद है कल ही खत्म भी हो जाएगा, और क्वेश्चन टैग के बाद, कल के बाद क्वेश्चन टैग किताब में नहीं होगा वो, और पेज वाला भी लेते हो, पेज वाला भी, तो पेज वाला भी, और जो है प्रैक्टिस जो है आज खत्म करके, और फिर 2-4 दिन राइटिंग एसेस करा दूंगा बढ़िया से, और फिर आपको जो है 12 से 17 तक छुट्टी रहेगी, गर्मी की छुट्टी रहेगी, 10 से जो भी 10-11 जो भी होगा, हाँ मंडे टू फ्राइडे छुट्टी रहेगी 1 सप्ताह पूरा, हाँ तो 1 सप्ताह गर्मी की छुट्टी दे दूंगा आप लोगों, तो राइटिंग पढ़ी तो हो जाएगा, पहले ही होगा, 10 तक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, 9-10 तक पढ़ाऊंगा, हाँ 9-10 तक पढ़ाऊंगा जब भी हो, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बन के आ रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सेट है पेज वाला, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। देखिए ये कैसे बनाएंगे, तो पहले हमने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहला काम है टेंस सेंटेंस इसे पहचानना, तो द क्या लिखा, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये आरबी है और आर ए से पहले लिख दिया है वो, उलट दिया है क्वेश्चन को, तो यहां पे हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, सेकेंड आंसर इसका होगा, तो सेकेंड है किसी कुछ पूछना है तो पूछो, सेकेंड में किसी दिक्कत है ना, है सिंपल पास इनटू पास परफेक्ट, तो हेड प्लस V3 है ना, किसी बच्चे को डाउट नहीं ना है, बोलो 2 में डाउट है किसी को, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम आई शैल पे योर वेजेस टुमारो, तो किसी को डाउट है यहां पे, हाँ
सेकंड तो है ही आंसर, किसी को पूछना है तो वो बता दूं उसको, नहीं ना, क्योंकि यहां भी शैल, यहां भी शैल, यहां भी शैल, वो देख जगह पे ऑनलाइन बेटा पकड़ रहे हो तुम लोग, देखो पकड़ा देता हूं, देखो यहां पे शैल है तो शैल हर हाल में शुड नहीं वुड बदलेगा, क्यों बताया था आपको, क्योंकि आई चेंज हो जाएगा ही में और ही के साथ क्या होता है वुड होता है, शुड नहीं वुड होता है, तो यहां पे देखो शैल ही लगा काट दो, सही लगा काट दो, सही लगा काट दो, जो बच गया उसे लगा दो, ठीक है ना, तो आसान चीज है, मेरी आवश्यकता है नहीं आप लोगों को, वो मेरी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर तीन, तीन में बोलो, तीन का आंसर, तीन का आंसर बन ना, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, तो वाई दिया है तो सबसे पहला काम करो, आज तो होगा ही होगा, तो सेड वाला ये भी गलत है, और या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आस्ट हिम यहां यू दिया है, तो आई सेड वाई आर यू लुकिंग फॉर थ्रू की, कहां पे, हाँ पकड़ गया ना, बस पढ़ना पड़ेगा थोड़े जो यहां पढ़ के तू पढ़ना पड़ जाए तो फायदा क्या पढ़ने का, मैं एक बार आंसर मिला दू ना फटाफट, चार में देखो, चार में हाउ क्रूएल द बॉस इज, एक्सक्लेमेटरी लगता है कि है, सेड द क्लर्क, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर, चार का आंसर द क्लर्क एक्सक्लेम्ड दैट द बॉस वॉज वेरी क्रूएल, वेरी आ गया ना, वेरी वेरी तो यहां भी है हाँ, लेकिन वाज आ जाएगा ना, यहां पीज लगा है, यहां पीज लगा है, वहां पे सेड लगा हुआ है, ठीक है। पांच में आ जाओ, माई पति सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड, हेलो पांच का, पांच का पहला ही सही है, माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर मी है, टू लाख उतार दो, है ना, मी का ही हो जाएगा, देखो छह नंबर, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, कल तो पढ़ा था जी कि प्रपोज्ड कर देते हैं, प्रपोज्ड सेम प्रपोज्ड है, और दिमाग लगाओ, लेट अस है, सेकेंड वाला गलत है, पहला सही है, हाँ तो लगा लगा दो, जब सब में लगा क्या करो, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, आप दिमाग मत लगाइए, ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन जो लिखा है पूछो क्वेश्चन है सर, हाँ सात नंबर, सात, यू सेड टू मी लेटेस्ट प्ले टू नाउ, तो आंसर हो जाएगा दो नंबर, यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले नाउ, यू प्रपोज मी दैट, तू लेगा ना, तू तो लेगा ना प्रपोज के बाद, प्रपोज टू मी, हाँ ये आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया होगा, प्रपोजल के बाद सेट के बाद टू का जो प्रयोग करते हैं, बताया था कि तो लिख लो, कहीं बताया होगा टेंस बताया होगा चाहे प्रीपोजिशन बताया होगा, नहीं बताया होगा, हाँ प्रपोज में टू लगाते हैं,
यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले नाउ. हालांकि नाउ का देन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया तो माना पड़ेगा, किसी में दिया नहीं है ना. आठ नंबर, शी सेड आई एम गोइंग नाउ, तो नाउ का देन कहीं दिया है जी, समय से दिया है. तो आठ का आंसर देखो क्या दिया है, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग नाउ. पढ़ूंगा तो बना दूंगा सब, ये तुम लोग भरोसे में हूं. नाइन बोलो, आई सेड आई नो दिस मैन, तो दिस का दैट न्यू, यहां पे नो है प्रेजेंट टेंस, अभी टू लगेगा. तो आई सेड कहां गया, आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन. ग्यारह में आ जाओ, दस नंबर, दे सेड वी आर लिविंग टू नाइट, टू नाइट क्या हो जाएगा, दैट नाइट. ठीक है, कौन सा आंसर है, वी आर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आर्टिस्ट है. अब किताब में कितना टेस्ट दे दिया है, कल वो आज भी दिया है, जब किताब मिली है क्या जरूरत कैसे था. ओ तेरी अननेसेसरी पेज की बर्बादी. बुक वाला करवा दूं, चलो. पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का जस्ट देन कर दो, जस्ट देन कहां है, पहला आंसर. तो पहला का पहला, दूसरा का देखो. सरिता सेड टू मी आई विल डू इट और नेवर, तो इसका आंसर हो जाएगा चार. चौथा, नाउ का देन यहां क्या हुआ है, यहां यहां है, तो आई का ही इसी हो जाएगा, तो चार आंसर. यहां पे आई छोड़ दिया तो आई का सी हो जाएगा ना, तो सी यहां पे आ गया, विल रहेगा नहीं, वुड होगा, दाव किया या देन किया, तो चार आंसर हो गया. तीन का आंसर देखो, शी सेड टू मी व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो देखो व्हाई दिया है, तो आस्क इफ. चौथा आंसर डोंट हिट दैट दैट, बस एक पकड़ लो, हो गया सब. दैट ग्वास्कर सेड ब्रेवो आजारी यू हैव डन वेल, चार का आंसर, चार का आंसर. तीन लगा लो, ये समझ में नहीं आएगा तुमको, इसमें समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में आएगा से क्या होगा. ग्वास्कर सेड ब्रेवो, ब्रेवो क्या है जी, शाबाशी. तो इसमें आज लिख लो, कहीं भी ब्रेवो का प्रयोग किया जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ऐड किया जाता है. ब्रेवो वर्ड कहीं लिखा हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ऐड करना पड़ेगा, इसको याद कर लो, और जहां भी वो रहेगा वही आंसर होगा. ब्रेवो जहां भी आएगा कॉन्ग्रेट्स आएगा ही आएगा, सब में जहां भी ब्रेवो आएगा तो कॉन्ग्रेट्स आया ना वहां पे. तीन नंबर, तो चार का तीन आंसर, हाँ जी आएगा ही आएगा, रहेगा. पांच नंबर,
पांच का आंसर दो क्या होगा? ही सेड टू मी वेयर, तीन सही है जी। हाँ यहाँ पे वाज लगा दिया ना जी, डब्ल्यू एच के बाद अगली बार यहाँ पर देखो बंद तो सब जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें छह का आंसर देखो, हाँ सेड मी टोल्ड मी दैट ही, छ का सी सेड माय अंकल केम स्टडी, तो सी सेड दैट बन जाएगा ना, पहला पकड़ो स्टडी का क्या हो जाएगा, माय अंकल का हर अंकल है ना, शी सेड दैट है ना, सात हो गया ना, आठ नंबर आई सेड आई बॉट द बुक लास्ट वीक, आठ नंबर आई सेड दैट बाउट हो गया वी टू हेड प्लस वी थ्री, और आई यहां भी है तो आई यहां भी आया, सुन आई रहेगा पहला आंसर मारो, ही गलत है, बीन गलत है, हैव गलत है, तो हैव आ गया तो गलती हो गया, बीन लगा तो गलती हो गया, ही लगा तो गलती हो गया, बस। नाइन नंबर, नाइन कह रहा है मदर सेड इट विल रेन नेक्स्ट मंथ, तो नाइन का आंसर द फॉलोइंग मंथ का, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ, अरे सर में है, बन गया ना, वुड के बाद रेन थोड़े होगा है ना, समझ पा रहा समझ तू ना, क्या कोई दिक्कत? देखो घर से के बना के आया होगा तब तो मजा आएगा, और अगर देखा भी नहीं होगा तब तो कष्ट हो रहा होगा, हाँ तब तो ठीक है। दस, दस का आंसर दो नंबर होगा, दस का आंसर दो नंबर, क्यों दो सुन वी टू है जो होगा नहीं, टोल्ड आ गया, अब किताब से कर लूं, अब किताब निकालो, किताब किताब निकालो, नेसर किताब खोल लीजिए बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर किताब ही वाला किताब नेसर किताब होगा, टेस्ट देखिए पहला क्वेश्चन, काले किताब दिखला दिया सबको, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर श्रीमान, तो कहा था ढूंढ लो वेरी, जहां वेरी में जब आंसर है ना, तो बस ये पकड़ना है कि जहां पे जो चीज चाहिए
उसको क्या लिखा, स्टूपिड फेलो, ये एडजेक्टिव है। तो यहां पे आपको वेरी जहां मिल जाएगा वेरी फेलो, और कहीं नहीं है, देखिए इसे नंबर टू आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा पढ़ना ही नहीं है, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के अनुमत आ जाए तो फिर डीएसएल पढ़ने का फायदा नहीं। दाढ़ी जब पूरा चीज पढ़ना ही पड़ जाए तो पढ़ने का फायदा क्या है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर को देखिए, और देख करके पहला काम करिए काटने का, क्या होगा ये मत ढूंढिए, क्या नहीं होगा पहले ये ढूंढिए। यूपीएस वाले के लिए, यूपीएससी में 5 नंबर का पूछता है रिलेशन, तो वहां तुमको लिखने को देगा, तो जो लिखो वो सही आएगा, वहां तो और आसान है, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, आराम से बना दो, तो चेक करेगा जितना तुमको आता उससे कम चेक करने वाला आता है, डरने वाली बात नहीं है। 11 नंबर, बोलो बाबू क्या डाउट है, यहां बच्चा पूछ रहा है 2 का, 2 का आंसर बच्चा पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है कि आंसर बता रहा है, अच्छा बता रहा है 2 1, अच्छा बता रहा है, दूसरे का आंसर 1, बिल्कुल सही जवाब, नॉट 2 से पकड़ लिया हमने, 2 काटा और 2 कहां पे नॉट 2 कर दिया, नॉट 2 मूव, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे को डाउट पूछो, ऑनलाइन वाला इसमें कोई डाउट है सेट 1 में, है ना 11 में डाउट है ना, हैं? नौ में क्या डाउट है, खिलौना है, देखो क्या बनेगा, ए 9 नंबर जो तुम्हारा है, द किड्स एल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली, ठीक है। अब सबसे पहला काम है पकड़ने का प्रयास करो, क्या क्या पकड़ा इसमें बताओ, नहीं समझा, वी लव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास हो जाएगा ना, तो सबसे पहला दे यहां पे लव दिया है काट दो, इसमें लव्ड दिया है मार दो, मार दो, यही तो आंसर है, और आवर का दियर हो जाएगा, देखो तो आंसर 2 हो गया लाइन का, 11 नंबर, दस भी 11 किससे नहीं बना है तो सबसे आसान है, क्यों समझ में नहीं आया असल बात क्या, देखो ए है सुकरात, लिखा हुआ है सोक्रेट्स, स्पेलिंग यही होता है, ये लोग सुकरात बोल देता है, तो सोक्रेट्स सेड, मैं सुकरात कहा, अब सुकरात आम आदमी तो है नहीं, तो उसने कहा वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, वर्चू का मतलब होता है अच्छे कर्म, सदगुण, अच्छे कर्म का सद्गुण का अपना ही फल मिलता है, तो ये महापुरुष का कथन हो गया, तो कथन हो गया तो कहा कि प्रिंसिपल को सिद्धांत को चेंज, तो जो ऊपर लिखा वही नीचे उतार देना है, दैट लाग उतार दो, तो दैट लाग कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर, तो 3 नंबर, हाँ समझ गया, तो बच्चे उद्देश्य होता है, मैं जानबूझ के यहां पे गलती करते हैं बच्चे, तो यहां पे बच्चा मार पता क्या वाज मार देगा, इज को वाज कर देगा, जो क्या अपराध है, ये समझना आपको है ना, चलो 15, हाँ 13 नंबर, देखो 13 भी आसान है, 13 कहता है, ये भी तो सेम क्वेश्चन हो गया, अच्छा 13, He said it used to be play, used to be lovely, quite sweet, ठीक है, अब बताइए इसमें,
जहां भी यूज टू का प्रयोग किया जाता है वो चेंज नहीं होता, वो ध्यान देना। हाँ तो यूज टू वाला चेंज ही होगा ना। हाँ तो 13 का आंसर एक नंबर, 13 का आंसर है इट इज यूज्ड, इट यूज्ड टू बी अ लवली क्विटस्टिक। ठीक है ऐसे कर जाएगा। ठीक है यूज टू का मतलब हो गया हैबिचुअल एक्शन। 15 नंबर, अच्छा ब्रेवो जहां भी आ जाए क्या कहा था, होगा अपलाउड नहीं है तो अपलाउड कहो चाहे बात एक ही हो जाता है, टेंस वही आ जाएगा ना। तो 15 में देखो ना कहां अपलाउड, यहां ना जी मार दो सही आंसर, लिख लो ही जोड़ लो कि जहां ब्रेवो आएगा वहां अपलाउड आएगा, कांग्रेट्स आएगा, इसे याद करो सब आ जाएगा, लिख लो इसको, ये जॉय नहीं आएगा। ठीक है ना, हाँ कांग्रेट्स और अपलाउड आएगा, ये नहीं आएगा। अब 3 और 4 देख लो वही सही हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, यही सब एक दो क्वेश्चन गड़बड़ाता होगा जो फैक्चुअल है जो आपको दिमाग रखना पड़ेगा। तो 15 हो गया जी, 16 हो गया, आगे बताइए कौन सा नंबर, 23, 15 का 3 बच्चे बता रहे भाई, इसमें तुम्हें दिक्कत हुआ होगा, इसमें दो चीज आएगा देखो, इसमें क्या है, एक तो 5-5 लिखा है और 5 भी है और इस बाबर को यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, तो यहाँ दो चीज करना पड़ेगा तुमको, एक तो करना पड़ेगा तुम्हारा कि जैसे 5-5 भी आएगा तुम्हारा और एक्सक्लेम भी आएगा, कैस्ट भी आएगा एक्सक्लेम भी आएगा, तो दोनों आ जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है ना, क्यों बताता हूं इसको, देखो क्या है, क्या होता है कि 5 के लिए क्या आ गया, कष्ट, अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ये आ गया बस एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेम्ड दैट आएगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे जब हम सलाह देते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं, तो शुड भी आ गया है, ये आंसर 4 होना चाहिए। भाई कोई सही नहीं, इसमें भाई कोई सही नहीं है, कष्ट दिया है, अपलाउड नहीं दिया है, एड्रेसिंग भी गलत हो गया, सरप्राइज भी गलत हो गया, तो जहां भी 5 आ जाए वहां कष्ट आ जाता है। 24 ना 25, देखो 25 में क्या कर बताता हूं, सिंपल सी बात, 25 कह रहा है कि सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टिल अगेन, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। पहला चीज आप साइन पे फोकस जरूर करिए, क्या करना है, सो हेल्प मी हेवन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि नहीं है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड वर्ड आएगा ही आएगा, एक्सक्लेम्ड वर्ड आएगा, तो 4 कट गया और 1 कट गया, बच गया 2 और 3, तो 2 और 3 में ध्यान दीजिए कौन सा होना ज्यादा चांस मांगता है, तो एक्सक्लेम्ड हेवन टू हेल्प हिम दैट ही वुड, तो 3 ज्यादा सही लग रहा है ना। ठीक है ना, तो पहले ऑप्शन को हटा देंगे ना तो आइडिया मिल जाएगा आपको एलिमिनेशन में, मतलब तुम जब बनाओगे क्वेश्चन तुम गुस्सा भी आएगा कि एक भी आंसर सही नहीं है क्या करें, तो गुस्सा नहीं करना है, प्यार से हटा दो कौन नहीं होगा, मतलब 4 चोर है, जो कम चोरी किया ना उसको साध मान लो कि वो ठीक है, ऐसे इसमें देखा है देखिए आंसर सही नहीं है, जो कम सही है उसको मार दिया, बस यही ध्यान देना है, बाकी सब आइडिया लगाओगे तो 25 क्वेश्चन में 20 तो दावे के साथ बन जाएगा, मतलब 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तुम दावा ठोक सकते हो, अब 5 क्वेश्चन तुमको एक दो और बन जाएगा और 3 में थोड़ा सा तुक्केबाजी चलेगा।
तो तीन में तुक्का मारो तो एकाध दो और सही हो जाएगा, तो एकाध दो गलत हो भी जाता दिक्कत, मेन कीमत है टाइम का, टाइम बच गया तुमको तो लगा दो कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ना कि तुम एक नंबर के लिए उलझे रहो, मारो रगड़ो भागो। हाँ 26 नंबर, ही सेड आई विल गिव यू रुपीज 100 टू कीप योर माउथ शट। तो इसका आंसर तो चार है ही, बाकी दिक्कत क्या है सो बताइए। कर दूं आई विल, यहां आई विल लिखा हुआ है तो विल लिखा है तो वुड तो होगा ही होगा। अब देखिए कि वुड सारे में है, दो में है नहीं, ठीक। अब दूसरा देखना है कि आई रुपीज 100 टू कीप योर माउथ शट। तो पहला चीज ये है कि उसने प्रपोजल दिया है ना, और बताओ सेट टू खोलूं, खोलो 5 नंबर इसमें 27 कहता है डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। तो पहला चीज ये करो कि काटो कौन कौन नहीं होगा है ना। द पेशेंट प्लीडेड डॉक्टर हाउ मच टाइम्स विल हैव, हैव को हैव ही दे दिया है, ये तो कट गया, ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया 2 3 4। तो सबसे पहले ये देखो कि वहां आई हैव लिखा है तो शी हैड तो होगा ही होगा, तो 4 भी कट गया। अब she had दो जगह पे है, यानी या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 3 होगा। तो अब देखो एक्सप्लेन आएगा, इसे काट दो आंसर बस, पढ़ना नहीं है काटना है पूरा। अगर पढ़ने लोगे ना दिमाग हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, दिमाग हिलेगा ना फिर लगा पता नहीं सी हेड यहां भी ए भी है, ए भी सही, ए भी सही। तो एक एक वर्ड पकड़ो और जिस शब्द में गड़बड़ लगे पहले उसको, जिसमें चांस ज्यादा उसको मार दो, ठीक है। और कौन सा 28 लेट्स गिव अ पार्टी कह रहा है, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड द हस्बैंड। देखो लेट्स नॉट देख रहे हो, तो लेट्स नॉट का मतलब नॉट वर्ड आ गया, तो इन द नेगेटिव वर्ड यहां पे आना चाहिए। हाँ इन द नेगेटिव, इन द अफर्मेटिव, तो इन द नेगेटिव कहां दिया है, पर आंसर हो गया है ना। तो यस या नॉट जहां भी रहे, यस के लिए इन द अफर्मेटिव और नॉट के लिए इन द नेगेटिव। और बोलो सेट टू में भी दिक्कत है, सेट टू में आ जाए हो सकता दिक्कत हो। सेट टू में कौन सा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर, सेट टू में 6 नंबर, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्लीज डोंट गो अवे, तीन नंबर बेटा 6 नंबर। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, बताइए पहले काटते हैं। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, द टीचर सेड दैट बॉयज शुड बी क्वाइट, द टीचर कॉल्ड द बॉयज, अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट, द टीचर कमांडेड द बॉयज। अब प्रश्न उठता है कि तीसरा क्यों सही है, ठीक अभी समझना आपको।
देखो पहला चीज है टीचर सेट, राइट। तो ये सेंटेंस है इंपरेटिव, और इंपरेटिव है तो आर भी को चेंज करना ही करना है, पहला चीज। तो सेट पर जितनी भी ऑप्शन नहीं होगा, कमांड और आर दो ही सही होगा। कमांड का मतलब होता है बस में करना, तो बस में तो है नहीं विद्यार्थी, तो क्या होता है अर्ज। तो क्या होता है, कभी कभी देखते हो गुस्सा में क्या होता है, अरे शांत रहेगा, मतलब अंदर से रिक्वेस्ट भी है ऊपर से, इसी को अर्ज्ड बोलते हैं, इसीलिए यहां पे आंसर होगा। ये सब स्लिप हो सकता है दिमाग से, कभी आपसे गलती भी हो सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस हो रहा है ना। कौन सा नंबर, कोई बात नहीं, जो बनाया आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर, 12, 12 नंबर। एक बार 12 में लिख लो, जहां भी नीड रहे वहां हैड टू का प्रयोग करते लिख लो, जहां भी नीड रहे वहां हैड टू का प्रयोग करते लिख लो नोट में, नीड जहां भी रहे हैड टू का प्रयोग करते हैं लिख लो। अगर मान लो डायरेक्ट में नीड का प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्ट में हैड टू का प्रयोग किया जाता है, हैड टू, हैड टू, चूंकि नीड का मतलब होता है जरूरत, तो नीडेड ना होगा वो हैड टू बदल जाता है, कंपल्सन बदल जाता है। ये सब फैक्ट लिखवा दे रहा हूं, जहां भी नीड मिले उसको हैड टू में चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में नीड का प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्ट में आते समय उसे हैड टू में चेंज कर दिया जाता है, हैड टू में चेंज कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। कौन सा नंबर, 4 नंबर। चलिए बाहर निकल गया चुपके से। 16-17 क्या कर पेज में हो गया है ना, तो पूछो कोई दिक्कत है आगे। तो 15 15 15 कह रहा है, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। तो ऑफिस क्लोज को तुम सबसे पहले चीज ऑफिस को क्लोज करो, फिर V1 को V2 करो। तो दो का दो चीज ऑफिस क्लोज 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 क्लोज। देखो क्या कहना है, ऑफिस क्लोज क्लोज हो गया V1, अब V1 को चेंज करें करेंगे तो V2 कर दिया यहां पे क्लोज्ड। अब देखो, अब तुम कहा व्हाट टाइम डू द ऑफिस, तो व्हाट टाइम ए डू का डिड क्यों करेंगे, मैं नहीं तो पढ़ना, तुमको बच्चा ही तो करता है, पता नहीं था तुमको कि व्हाई डू यू गो देयर, तो व्हाई बच्चा को डू का डिड कर देगा, और तुम्हें कहना चाह रहा है। ये तो सिखाया था कि WH वर्ड के बाद डू को काट दो, ये डू क्या हो गया, कट जाएगा। हाँ ये तो पढ़ा था क्लास में, पहला एग्जाम्पल ही तो दिया था, वेयर डू यू लिव, तो वेयर भी काटा था और डू गया था, और यू लिव कुछ किया था, आई लिव्ड, ये क्या था, तो यहां हो गया क्लोज का क्या हो गया, क्लोज हो गया। हाँ असर्टिव बनाते हैं, हाँ तो नजर चल। और क्वेश्चन बोलो, कोई नहीं, देखो 25 में से 20 का दावा करो फिलहाल, और प्रैक्टिस खूब करोगे ना तो 23-24 हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा। जैसे भी मात्र पढ़े हो तुम और पहला दिन प्रैक्टिस है, अभी रिवीजन भी नहीं किया है और पढ़े भी नहीं हो, फिर तुम 20 का दावा कर दिया है जी, तो बहुत बड़ी बात है। पहले प्रयास में 20 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन के थोड़ा प्रयास कर लेना, और क्या, रिवीजन होगा, किताब देखेगा, 5 सेट और बनाएगा, 10 सेट और बनाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बस परफेक्ट जाएगा। बस इतना समझो कि तुम फेल नहीं करेगा, किसी की मदद पास कर जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हारा टाइम बच रहा है, हाँ प्लस पॉइंट है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि तुमको मैं पढ़ने की आदत ही छुड़ा दे रहा हूं, पढ़ना ही नहीं है, हाँ
क्योंकि जहां तुम ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया कि टाइम चला जाएगा, और टाइम तो जाएगा ही, तुम्हारा आंसर भी गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। द मोर यू रीड द मोर यू कंफ्यूज्ड। इसलिए पढ़ना नहीं है, क्लास में पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आगे बोलो, कोई डाउट है? खत्म, एंजॉय करो लाइफ में, एंजॉय करो, कोई डाउट ही कहीं नहीं है। क्या कल क्वेश्चन टैग है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स, ठीक है ना? तो मुझे भरोसा है आप सबसे कि आप सबसे बन जाएगा। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 1000+ क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो दूसरा काम यह करना आपको कि मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खरीदना नहीं है, ये हाँ दीवार में उठंग जाए, पीछे खड़े हो जाइए, ऐसे देखिए 10 मिनट 15 मिनट, आपको लगेगा सब बन जा रहा है। तो मुझे आज ये बताओ कि टेंस वॉइस नेशन ये 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, बस ठीक है। ये 3 चैप्टर तुम्हारा लगभग 70-75 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल और सीपीओ में आएगा, तय बात है, तय बात है, इनवर्सल ट्रूथ है। आप 200 के प्रत्येक कर लो, 200 का, उसमें 70-75 नंबर आएगा ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मिला लो तो 100 नंबर के आसपास आ जाएगा, 100 मार्क्स की तैयारी आपकी हो गई, ठीक। अगर पढ़ लिया कुछ नहीं तो बाकी फिर ग्रामर पार्ट पर हो गए नाउन वगैरह, तो वहां से क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, तो 200 में 200 का मार्क्स काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उतना काम आपका हो गया, तो टेंशन की बात कहीं आपको नहीं। अब एक ही काम करना है कि जब नाउन शुरू हो जाए और हो जाए प्रीपोजिशन तक, तो फिर क्या करो कि जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उस एग्जाम का प्रीवियस ले लो और मिसलेनियस प्रैक्टिस शुरू कर दो। 200 में 200 करो प्रैक्टिस और 50 में 50 करो प्रैक्टिस। हर शनिवार यहां पे होता है, जब मेंस का होगा तो मेंस करवा दो प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? जब मेंस का होगा तो यहां पे 200 का हो जाएगा प्रैक्टिस। अभी पीटी का है तो 50 का दे रहा हूं, मतलब देना चाहिए 25 का, लेकिन मैं दे रहा हूं 50 ताकि 2 सेट हो जाए पीटी का। तो पीटी का 2 सेट आपको दे रहा हूं एक दिन में, ताकि आपको आने में लगे कि कुछ करके जा रहे हैं, नहीं तो 15 क्वेश्चन दूंगा 20 क्वेश्चन दूंगा तो हलवा है ना। इसलिए मैंने टाइपिस्ट से बोल दिया है कि 50 क्वेश्चन बच्चों को दो, हाँ, ताकि आधा घंटा बैठ के उसको बनाए। और अभी आपके टेस्ट बनाने में अगर 10 नंबर भी आता है तो घबराना नहीं है, क्यों? कि उसमें वॉइस 25 है ही नहीं, नेशन है ही नहीं, तो आपने जो पढ़ा ही नहीं तो क्या बनाओगे? तो जितना आप बन रहा है उतना बहुत है, ठीक है ना? जब पूरा ग्रामर तुम पढ़ लो, मेरा पूरा कोर्स खत्म हो गया, फिर तुम हर शनिवार को आओ और फिर देखो टेस्ट में तुम्हारा कि रेशियो जैसे 50 में 45 46 47 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो सही तैयारी है, नहीं हो रहा तो इस चैप्टर दिक्कत है, फिर से पढ़ो, समझे ना बात को? तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, जब जरूरत पड़े धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, कहीं भी जरूरत पड़े आपके साथ हैं। परीक्षा हॉल में नहीं जाऊंगा, बाकी परीक्षा हॉल तक पहुंचा दूंगा, हाँ समझ बात को ना, तो उतना बना दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। हमने अपने लाइफ में एक बार किसी के बदले एग्जाम दिया था, उसे क्या देखो, बहुत समय बीत गया, आज की बात थोड़े है। मतलब 2 एग्जाम दिया था, एक तो दिया था इंटर का एग्जाम और एक दिया था एसएससी का एग्जाम, हाँ। तो वो एक दिया था इंटर में, आता नहीं आता है, तो बिहार बोर्ड का था इंटर वगैरह इंटरमीडिएट, तो वहां बैठ करके, अब जो जिसके था ना उसको अंग्रेजी आता नहीं था, तो वहां बैठ करके जो है पूरा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन क्लोज जो भी जो एकेडमिक था उसको पूरा सोल्व करवाया था, और अच्छा नंबर लाया था वो, तो अब अंदर से धड़कन बढ़ा हुआ था, प्रॉब्लम लिख भागे वहां से तो अब नहीं, ये घटना आज से 10-15 साल बहुत पहले के है।
अब नहीं होता, अब तो लोग चिप लगाता है कहां कहां क्या करता है, फंस जाएगा बच्चा लोग, अब जाने में रिस्क ज्यादा है, डर ज्यादा है, अब पकड़ा तो जेल जाएगा, पहले जेल नहीं था, पहले पकड़ा तो दो तीन चार खींच के हो जाता है, बाहर भेजता था, लेकिन अब पकड़ा तो जेल प्रदान हो गए, अब जेल भेज देगा, जेल भेज देगा, सजा हो जाएगा, केस चल जाएगा, पेपर में नाम आ जाएगा, पहले सब चीज नहीं था, बहुत पहले कहानी है, तो अब कहानी बदल गया, अब आप किसी के बदले एग्जाम नहीं दे सकते, अब देना भी है तो समझो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, हो सकता है कि आपका कैरियर समाप्त कर दिया जाए, मतलब आप किसी लायक रहेंगे ही नहीं, हाँ, तो इसलिए सब काम करना ही क्यों है, सीधा अपने भूजबल पर भरोसा करिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन बार बार करिए, और जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है, तो कल क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, कल चलेगा क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग से एक दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दो तीन मार्क्स रहता है पीटी वगैरह में, तो वो क्लास आप कर लीजिएगा, ठीक है, और परसों के दिन से राइटिंग स्किल शुरू कराऊंगा, क्या आप अपने मीडियम चेंज में कैसे राइटिंग करें, परसों शुरू करवा दूंगा, हाँ तो परसों शुरू करवा दूंगा, चाहे मंडे देख लेंगे जैसे होगा, मतलब आपका राइटिंग स्किल शुरू हो जाएगा, शुरू करवा दूंगा, ठीक है ना, तो राइटिंग स्किल चलेगा, उसके बाद फिर आपका जो है इस बैच में क्लोज हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन PQRS हो चुका है, बस राइटिंग बचा हुआ है, तो राइटिंग हो जाएगा, नहीं हुआ है, अच्छा अभी हाल में करवाया था PQRS नहीं आया था पढ़ने, और PQRS भी करवाया था बेटा, हाँ हाँ ग्यारह में करवाया था, तो तुम लोग आए नहीं थे ना उस दिन, असल में पता है क्या किया था मैंने, हमने कंबाइंड बुला लिया था कि आ जाना था, तो फिर से पढ़ा दूंगा, तो बात चिंता ना करो, मैं फिर पढ़ा दूंगा, हर बैच में होगा, आप बस ये देखो आपके बैच में सिर्फ टेंस हुआ है, वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग और राइटिंग स्किल्स होगा, अब नाउन चलेगा, तो नाउन वाले सेगमेंट में ना क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS फिर आएगा, इसलिए हर बैच में होगा, इसलिए घबराना नहीं है, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS हर बच्चा बताएगा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो होगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है ना करवाना, कैसे करवाना है उसका भी ट्रिक्स होता है, उसे टेक्निक होता है, सब कराऊंगा, ठीक है, चलिए और कोई कष्ट तो घर चले या कुछ बतियाना है, घर चले फिर, हाँ चला जाए, समोसा नहीं, चलिए बहुत अच्छा, टेस्ट हो गया, पेश हो गया, घर चला जाए, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू गॉड।